नमस्ते जी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, फिर से एक बार साल का एक बेहतरीन दिन आ गया है। 11/11 मतलब कि नवंबर का 11 तारीख। शानदार दिन है, बहुत सारी चीज़ों का मैनिफेस्ट कर सकते हो एक साथ, मल्टीपल चीज़ों का मैनिफेस्ट कर सकते हो। सेहत, स्वास्थ्य, रिश्ते, सुख समृद्धि, शांति, जो चाहो वो मांग सकते हो। दोस्तों, तरीका बहुत आसान होगा, बहुत मुश्किल चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करना वो दिन अपने लिए स्पेशल करके रखे रहो। आज से ही उसकी तैयारी करना शुरू कर दो कि 11/11 को क्या करने वाले हो। वैसे सिर्फ 11/11 ही नहीं, 11/11 को सबसे पावरफुल दिन रहेगा, लेकिन इस पूरे महीने वो नंबर जिसका काउंट 11 बनता है वो कर लेना, वो भी आपके काम ही आएगा। जैसे कि 29 तारीख 9/2/11 होता है, तो ऐसे भी नंबर अगर जुड़ते हैं तो उसमें भी काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा बेहतरीन पोर्टल जो है, जो साल में एक दिन के लिए खुलता है, वो है 11/11। बेटा, सबसे पहले एक बात समझना, एक नंबर जो होता है 11 में 4 1 होते हैं, है ना, 11/11 में 4 1 होते हैं। तो एक नंबर के बारे में जान लो, ये होता है मैजिशियन का प्रतीक, राजा का प्रतीक, बादशाह का प्रतीक। मतलब कि एक नंबर बोलते हैं ना, एक नंबर फर्स्ट आ गया, एक नंबर आ गया, तो अव्वल, बादशाह, मैजिशियन, जादूगर का प्रतीक होता है, को सिंबलाइज करता है। और एक हुआ तो 11, मतलब कि दो मैजिशियन, दो जादूगर, दो राजा, और 2/11 मतलब कि 4, मतलब बस 4 1 जो होता है सबसे शक्तिशाली नंबरों में से एक है। कभी भी मैनिफेस्ट करने के लिए इस नंबर का प्रयोग कर सकते हो। भाग्यांक, मूलांक अपनी जगह ठीक है, कि चलो आपका भाग्यांक 6 है, मूलांक 5 है, वो अच्छी बात है, वो तो है ही, है ना, वो तो घर की बात है। लेकिन ये जो 4 नंबर हैं, 1 1 1 1, ये ज़बरदस्त पावरफुल है और इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। अब समझना क्या करना है उस दिन। सबसे पहले पूरे दिन के लिए उस दिन क्या मांगने वाले हो, ये अभी से सोच लो, अभी से बना लो। कॉन्ट्रडिक्टेड थॉट्स नहीं आने देना, मिश्रित विचार नहीं आने देना, क्लियर पेपर में लिख लो क्या मांगने वाले हो। मैं कुछ सजेशन दूंगा, वो मांगना, सबसे अच्छा चीज़ वो होगा, आप अपने हिसाब से भी मांग सकते हो। देखो, 11 तारीख को दिन में 2 समय, जिसमें 11:11 हुए होंगे, वो उस दिन का सबसे शक्तिशाली समय होगा। उस समय पे आप ज़रूर से बैठना, जिसमें ये समय गुजरता हो, करीब 1 घंटे के लिए अपने आप को समय अलग कर लेना, और जिसमें 11:11 बसता हो। जैसे कि आप सुबह 10:30 बैठ गए और 11:30 तक बैठे, तो इस बीच में 11:11 ज़रूर गुजरेगा, है ना, चाहे आपका ध्यान हो चाहे नहीं हो। अब 4 1 हैं तो मैं बोलूँगा कुछ ऐसा मांगो, जैसे कि पहला कि 11 घंटे के अंदर आप क्या चाहते हो अपने जीवन में, वो मांगो। 11 घंटे के अंदर क्या, 11 घंटे के अंदर 1,00,000 रुपये चाहते हो, बिलीव करते हो 1,00,000 पे। 11 घंटे के अंदर आप 10,00,000 चाहते हो, बिलीव करते हो। तो 11 घंटे के अंदर क्या चाहते हो वो मांग लो, वो मैनिफेस्ट करो। दूसरे एक में 11 दिनों में क्या चाहते हो वो मांगो। तीसरे में 11 महीने में क्या हो सकता है, कुछ चीज़ें होती ना जो साल भर समय लेती है, तो 11 महीने में क्या हो सकता है वो मांगो। और आखिरी 11 वर्षों में क्या चाहते हो वो मांगो। इस तरीके से बनाना। सबसे पहले मैं 11 घंटे में क्या चाहते, जैसे कि मैंने बोला कि 1,00,000 रुपये चाहते हो, आ जाएगा, अचीव कर लोगे। लेकिन मैं आपको सजेशन दूँ, ये रिवर्स से ना एक वादा मांगो 11 घंटे के भीतर, ये 11 घंटे के भीतर मुझे चाहिए कि आप मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाओगे, हमेशा मुझे प्रेम दोगे, हमेशा मुझसे प्यार करोगे, हमेशा मेरे लिए सही फैसला लोगे, हमेशा मुझे धन्यवाद से भरा हुआ रखोगे, हमेशा मेरी केयर करोगे, मेरी चिंता करोगे। ये 11 घंटे के भीतर के लिए ये मांग लो, ये बेस्ट है बेटा। 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 15,00,000, अरे वो वैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन ये जो आपने मांग लिया ना, उनसे एक वादा मांग लिया, बेस्ट है, बेस्ट है। 3 साल पहले मैंने मांगा था और आज देखो मैं कहाँ हूँ।
दो साल पहले कोई जानता तक नहीं था मुझे, और आज सबसे बड़े हीलर्स में से नाम है मेरा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लिए ये मांगा था तीसरे वाले में, दुनिया का सबसे महानतम हीलर्स में से एक रहूं, तो ये ज़रूर मांगना। दूसरे में क्या मांगोगे? 11 दिनों में क्या चाहिए? ये मांग लो कि इस 11 दिन में मेरे पास ऐसी प्रैक्टिस आ जाए, ऐसा प्रैक्टिस आ जाए कि मैं ध्यान करना सीख जाऊं, मैं ध्यान में बैठना सीख जाऊं, ध्यान में बैठने की मेरी आदत पड़ जाए, मैं मेरा बैठते ही मेरा ध्यान लग जाए, धैर्यते ही मैं बैठते ही मैं अपने आप को अचीव कर पाऊँ, अपने आप को जान पाऊँ, अपने आप को महसूस कर पाऊँ, परमात्मा को महसूस कर पाऊँ, ये मांग लो। और 11 महीने के लिए जैसे कि मैंने मांगा था वो वैसा कुछ मांग लो। समाधि मांग सकते हो, समृद्धि मांग सकते हो, धन वैभव मांग सकते हो, कोई एग्ज़ाम दिलाने वाले तो उसके लिए अचीवमेंट मांग सकते हो, उसके लिए रास्ता मांग सकते हो, ये मांग लो। तो ये चार एक से आप ये चार तरीके से मांग लो। और 11 साल के लिए क्या मांगोगे? अच्छा रिश्ता, अच्छा घर, अच्छी दौलत, समृद्धि, सेहत, जवानी, खूबसूरती, ऐसा कुछ मांगो। ये मटेरियलिस्टिक करो इसको, लेकिन पहले 11 घंटे में ऐसा कुछ मांगो जो लाइफ टाइम काम आता हो, समझ रहे हो? पहले एक से खाद मांग लो, दूसरे एक से गमला मांग लो, मिट्टी मांग लो, तीसरे एक से बीज मांग लो, चौथे एक से क्या मांग लोगे? पौधे मांग लो, उसकी बरकत मांग लो। तो ऐसा बनाओ ना, ये होगा काम, ठीक है? तो 11-11 पोर्टल को एक घंटा सुबह निकाल लेना, एक घंटा रात को निकाल लेना, और अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी तैयार रखना, और एक अच्छी सी डायरी बनाना स्वास्तिक के साथ, या कोई अच्छी तरह की हीलिंग जानते हैं आप लोग तो चौकूरे से ही की बना करके शुरू करना। वसुधा सिंबल स्वास्तिक से ही मिलके बना होता है, के साथ शुरू करना एक अच्छी सी नई डायरी, उसमें लिखो, ठीक है? और अगले साल उसको फिर खोल के देखना कि क्या क्या पूरा हुआ, ठीक है जी? इसके साथ आपको एक चीज़ और करना चाहिए, एक सिंबल का प्रयोग करना चाहिए, एक सिंबल बनाना, चौकोर, वर्गाकार जिसे कहते हैं, ये एक एक से मिलके बनता है। ये सिंबल के बीच में आपने मैनिफेस्टेशन की जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे लिखोगे। कैसे बनाओगे? एक 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 एक, चारों एक को अगर जोड़ लिया तो क्या बनेगा? वर्गाकार आकृति। तो एक 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 किसी भी दिशा से क्लॉकवाइज बनाओ तो ज़्यादा गुड है बेटा। अगर जुड़ता है तो बहुत अच्छा है, नहीं जुड़ा तो मज़ा नहीं आएगा, एनर्जी लीक हो जाएगी। तो जोड़ना एक 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 एक, ठीक है? और उसके अंदर अपने विश लिखो, इस साल में क्या चाहते हो। चार विश सबसे बेस्ट होंगे, लिख लेना, या एक एक पॉइंट करके एक विश के अंदर थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन क्लियर होना कि क्या लिखने वाले हो। और ये लिखने के बाद ध्यान लगा के बैठ जाना उस विश के बारे में सोचते हुए, इस यूनिवर्स को थैंकफुल होते हुए, ध्यान में ये बताते हुए कि आप क्या चाहते हो, उन चीज़ों को अपने अंदर जीते हुए, उन चीज़ों को महसूस करते हुए। मतलब कि जो चीज़ें महीनों में होती है वो चीज़ें सिर्फ इस एक घंटे में होनी है, ठीक है? कोशिश करना अगर हो सके तो कुबेर मुद्रा लगा लेना। कुबेर मुद्रा क्यों? क्योंकि इसमें भी दो उंगलियों का इस्तेमाल होता है, तो एक 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 एक, ठीक है? ध्यान मुद्रा नहीं, कुबेर मुद्रा। कुबेर मुद्रा लगाना, लिखने के बाद इस तरह से बैठ जाना। आसन लगा के बैठ सकते हो, या फिर इसे हाथ को हवा में भी रख के बैठ सकते हो। हवा में रख के बैठने से क्या होता है, हाथ दुखने लग जाता है थोड़ा टाइम, क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो अपने आसन लगा के बैठ के घुटने में रख के बैठो, एक घंटा बस बैठे रहना है उन विचारों के साथ, उन मैनिफेस्टेशन के साथ, उन फीलिंग्स के साथ, और आप देखेंगे जादू, आश्चर्य हो जाएंगे कि कैसे ये हुआ, ठीक है जी? बहुत सारी चीज़ें मैंने इस 11-11 पोर्टल से पाई है, आप भी पाएंगे, डेफिनेटली पाएंगे, ठीक है जी? तो मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए
नमस्ते अजय।